अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं, और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुँचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को और इसके पहले पार्ट को नीचे नोट डाउन कर लिए। हम इसकी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप तमाम पार्ट्स इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है और नीचे ए पार्ट भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम ए पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है डिवाइड द फर्स्ट एक्सप्रेशन बाय द सेकेंड, यानी आपको कहा जा रहा है कि आपने डिवाइड करके दिखाना है फर्स्ट एक्सप्रेशन को, यानी पहली एक्सप्रेशन को, बाय द सेकेंड दूसरी एक्सप्रेशन से। अब आपको पहले यह समझना होगा कि हम फर्स्ट एक्सप्रेशन किसको बोलेंगे और सेकेंड एक्सप्रेशन किसको बोलेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि डिवाइड करने का प्रोसीजर क्या होगा। तो नीचे आप देख सकते हैं ए पार्ट लिखा हुआ है। तो ए पार्ट के बिल्कुल स्टार्ट में जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है, जिसको मैं पढ़ देता हूं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाली जो एक्सप्रेशन है, जो बिल्कुल स्टार्ट में लिखी हुई है और इस डिवीजन सिंबल से पहले है, इस एक्सप्रेशन को आप कहा करेंगे फर्स्ट एक्सप्रेशन। तो आपकी ए पार्ट में जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इन तमाम पार्ट्स में जो सबसे स्टार्ट में एक्सप्रेशन लिखी होगी, या आप यूं कह लें जो डिवीजन सिंबल से पहले लिखी होगी, वही आपकी फर्स्ट एक्सप्रेशन कहलाया करेगी। अब सेकंड एक्सप्रेशन कौन सी होगी जो डिवीजन सिंबल के बाद आपको दिखेगी। जैसे आप देखें यहां पर डिवीजन के सिंबल के आगे जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है ए प्लस बी, ये आपकी दूसरी एक्सप्रेशन है। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट के मुताबिक आपने इस पहली एक्सप्रेशन को, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को डिवाइड करके दिखाना है इस दूसरी एक्सप्रेशन से, जो कि है ए प्लस बी। तो डिवीजन सिंबल के आगे लिखी हुई एक्सप्रेशन जो कि ए प्लस बी है, वो आपकी सेकंड एक्सप्रेशन है, और सबसे स्टार्ट में सबसे पहले लिखी हुई एक्सप्रेशन, डिवीजन सिंबल से पहले लिखी हुई एक्सप्रेशन आपकी फर्स्ट एक्सप्रेशन है, जो कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है अभी ए पार्ट के केस में। तो इसका मतलब आपने इस पहली एक्सप्रेशन को इस दूसरी एक्सप्रेशन पे डिवाइड करके दिखाना है। तो ये तो हो गई स्टेटमेंट के हवाले से बात। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आपने किसी पहली एक्सप्रेशन को किसी दूसरी एक्सप्रेशन को से डिवाइड करना हो, तो जिससे आपने डिवाइड करना होता है, सबसे पहले आपने उसको लिखना है। तो क्योंकि आपने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी से डिवाइड करना है, इस दूसरी एक्सप्रेशन से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले इस दूसरी एक्सप्रेशन को आपने लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, आप यहां पर लिखेंगे सबसे पहले सेकेंड एक्सप्रेशन जिससे आपने डिवाइड करना है फर्स्ट एक्सप्रेशन को, यानी ए प्लस बी। इसके बाद आपने हमेशा ये लॉन्ग डिवीजन सिंबल बनाना है इस तरीके से, और इसके इनसाइड, इसके अंदर सबसे पहली एक्सप्रेशन को लिखना है जिसको आप डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो आप किसको डिवाइड करना चाह रहे हैं, आपकी पहली एक्सप्रेशन क्या है वो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसके इनसाइड आप लिखेंगे कंप्लीटली इस तरीके से, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो एक तरह का हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब आपने अगले स्टेप्स बहुत ध्यान से समझने हैं, क्योंकि यही स्टेप्स आपने हर पार्ट में फॉलो करने हैं और आप इजीली किसी भी दो एक्सप्रेशंस को इस तरीके से डिवाइड कर पाएंगे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने देखना है कि वो एक्सप्रेशन जो आपने इस लॉन्ग डिवीजन सिंबल के इनसाइड लिखी है, अंदर लिखी है, उसके अंदर कितनी टर्म्स हैं और उसकी पहली टर्म कितनी बनती है। तो अगर आप देखें इसके अंदर 3 टर्म्स हैं, जो हमने एक्सप्रेशन इस लॉन्ग डिवीजन सिंबल के इनसाइड लिखी हुई है। कौन सी 3 टर्म्स हैं, ए स्क्वायर, पहली टर्म ए स्क्वायर है, दूसरी कंप्लीट टर्म 2ab है, और तीसरी कंप्लीट टर्म बी स्क्वायर है। तो जो आपकी इसमें से पहली टर्म होगी, जो आप देख सकते हैं हमारे पास इस एक्सप्रेशन की पहली टर्म क्या है, ए स्क्वायर, आपने हमेशा इस पहली टर्म को बाहर लिखी हुई एक्सप्रेशन की पहली टर्म से डिवाइड करना है। तो बाहर जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है वो ए प्लस बी है, और उसकी भी पहली टर्म क्या है वो है ए, यानी इसकी ए के ऊपर पार 1 है और इसके ऊपर ए की पार 2 है, जो अंदर एक्सप्रेशन लिखी हुई है। तो हमेशा जो अंदर लिखी हुई एक्सप्रेशन होगी, उसकी पहली टर्म को बाहर लिखी हुई एक्सप्रेशन की पहली टर्म से आपने डिवाइड करना होगा। तो हम यहां पर डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसी की मदद से हमारे अगले स्टेप हो पाएंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे कि आपने बेसिकली ए स्क्वायर को, जो कि पहली टर्म है अंदर लिखी हुई एक्सप्रेशन की, इसको डिवाइड कर दे, नीचे लाइन लगाए, किससे, बाहर लिखी हुई एक्सप्रेशन की पहली टर्म से, जो कि ए है, इस तरीके से। अब ये हम क्यों कर रहे होते हैं, ताकि हमें एक ऐसा आंसर मिले जो यहां हम ऊपर क्वेश्चन के तौर पे लिख सकें, यानी यहां ऊपर मेंशन कर सकें। तो आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट यह कि आप यहां पर एक ऐसा लेटर चाहते हैं जिसको जब आप ए से मल्टीप्लाई करें तो यहां पर नीचे ए स्क्वायर आ जाए और ये वाला ऊपर वाला ए स्क्वायर उस ए स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाए। तो हम इन टर्म्स को जब कैंसिल आउट करते जाएंगे, तभी
ही हम अपने रिमाइंडर की तरफ बढ़ेंगे, और जब हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाएगा हम बता पाएंगे कि ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस डिवाइड करने से, ए प्लस बी से डिवाइड करने से क्या आंसर आ रहा है। तो टारगेट यही हुआ करेगा कि हम इन पहली टर्म्स को किसी ना किसी तरीके से कैंसिल आउट करें। तो उसी के लिए ये प्रोसीजर हम कर रहे हैं कि पहली टर्म को बाहर की लिखी हुई एक्सप्रेशन की पहली टर्म से डिवाइड करें। अदरवाइज आप देख के भी बता सकते हैं कि ए को जाहिर बात है ए से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसके नीचे ए स्क्वायर आ पाएगा, जिसको आप इस तरीके से भी पहचान सकते हैं जो प्रोसीजर यहां पर मैं बता रहा हूं। तो अब आप देखें ए स्क्वायर को आप ए पे डिवाइड कर रहे हैं, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का मतलब है ए ऊपर दो दफा लिखा हुआ और मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये ए स्क्वायर का मतलब होता है ये लिखा हुआ है ए टाइम्स ए और नीचे वाला ए वैसे। तो आप देखें ये वाला ए इस ए से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा जस्ट ये ए के जिसकी पावर वन है। तो इसका मतलब जब आप इस ए स्क्वायर को ए पर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ए। तो आपका जो आंसर आया करेगा आपने इसी आंसर को यहां पर ऊपर लिख लेना है। तुम्हारा आंसर आया ए तो हमने इस ए को कहां लिख लेना है, ऊपर, इस तरीके से। ये हमने कर लिया। अब अगला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपने इस ए को बाहर लिखी हुई एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करवाना है और नीचे इधर लिखना है। कैसे, जैसे आप देखिए इस ए को आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर, तो आप यहां पे लिख देंगे ए स्क्वायर। अब आप इस ए को प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मल्टीप्लाई बाय प्लस बी यानी ए बी हो जाएगा, तो आप लिख देंगे प्लस का साइन वैसे ही, क्योंकि दोनों पॉजिटिव टर्म्स है, जब दो पॉजिटिव टर्म्स मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन तो प्लस का ही रहेगा। तो ए को जब आप बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी। तो आप देखें ए स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर जैसी टर्म है, ए बी वाली टर्म्स के नीचे ए बी जैसी टर्म है। ये आपने कर लिया, आपने क्या किया, ए को मल्टीप्लाई किया ए से बी और बी से बी। मैं यहां पे भी करके दिखा देता हूं कि आपने ए को मल्टीप्लाई करवाना है बाहर लिखी हुई एक्सप्रेशन से, तो ए ए टाइम्स ए स्क्वायर हो जाएगा और ए बी टाइम्स कितना हो जाएगा, ए बी। यही मैंने नीचे लिख दिया, यहां तक हमने कर लिया। जब आप ये लिख लेंगे अब आपने बेसिकली इनको सबट्रैक्ट कराना होता है, और उसके लिए आपको यहां पर साइंस चेंज करने होते हैं। साइन कैसे चेंज हुआ करेंगे, जो आपकी फ्रेश एक्सप्रेशन है जो अभी अभी आपने लिखी है जस्ट उसके साइन चेंज करने हैं। और उसके साइन कैसे चेंज होंगे कि जिसका प्लस का साइन होगा उसको माइनस का बना देने, अगर माइनस का होगा तो उसको प्लस का बना देना है। जैसे आप देखें ए स्क्वायर के पीछे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का साइन है, तो इसको आप बना दें नेगेटिव का, तो देखिए मैंने माइनस का बना दिया। ये प्लस ए बी है, इसका पॉजिटिव साइन है, इसको भी बना दे, इसका चेंज कर दे, तो ये हो गया नेगेटिव का। अगर यहां पे नेगेटिव होता तो पॉजिटिव बना देते, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना देंगे, और इस तरीके से लाइन डालेंगे। ये बेसिकली इसको सबट्रैक्ट कर रहे हैं, और अब आप इसको सबट्रैक्ट करेंगे। अब आप सबट्रैक्शन में ध्यान देखिएगा कि अब आपने नया वाला साइन यूज करना है, ऊपर लिखा हुआ पॉजिटिव ए स्क्वायर और नीचे लिखा हुआ नेगेटिव ए स्क्वायर। अब ये पुराना वाला साइन आपने यूज नहीं करना, जो आप चेंज कर चुके हैं जस्ट वही साइन यूज करना है। तो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मैं यहां पे भी लिख देता हूं, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऊपर नीचे। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, जीरो। जब सेम चीज में से सेम चीज माइनस करेंगे तो ऑब्वियस बात है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखिए हमने पहली टर्म कैंसिल आउट कर ली। तो यही हमारा टारगेट हुआ करेगा कि हर बार हम किसी ना किसी तरीके से पहली टर्म को कैंसिल आउट करेंगे ताकि हमारे लिए चीजें आसान होती जाएं। अब आगे देखें, लिखा हुआ है प्लस टू ए बी और नीचे लिखा हुआ है माइनस ए बी, तो टू ए बी में से माइनस ए बी करना है। तो मैं यहां पर लिखता हूं, बेसिकली लिखा हुआ है टू ए बी में से माइनस ए बी कर दे, तो ए बी का मतलब होता है वन ए बी। आप यहां पर वन खुद से लिख सकते हैं, यानी टू ए बी में से वन ए बी माइनस कर दें, तो टू माइनस वन कितना होता है, 1, और ab साथ वैसे, यानी 2ab माइनस 1ab होगा 1ab, या खाली आप लिख सकते हैं ab, दोनों के मीनिंग सेम है। तो यानी 2ab में से माइनस ab करेंगे तो क्या आ जाएगा, ab। यहां तक मैंने सबट्रैक्शन कंप्लीट कर ली। अब जब आप सबट्रैक्शन कंप्लीट कर लेंगे तो जो अगली टर्म हुआ करेगी ऊपर उसको आपने नीचे उतार लेना है। तो ये जो प्लस बी स्क्वायर है इसको आप नीचे उतार लेंगे इसके साइन समेत, तो ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। यहां तक आप कह लें हमने चीज़ों को सॉल्व कर लिया। अब आपने बार बार यही स्टेप्स करने हैं जो अभी मैंने आपको समझा दिए हैं। अब अगेन आपके पास न्यू एक्सप्रेशन है जिसमें लिखा हुआ है ए बी प्लस बी स्क्वायर, उसकी पहली कंप्लीट टर्म ए बी है। अगेन इस ए बी को बाहर लिखी हुई एक्सप्रेशन की पहली टर्म से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा ऊपर लिखेंगे और ऊपर लिखे हुए आंसर को मल्टीप्लाई करके वापस नीचे लिखेंगे, जिस तरह अभी ऊपर समझाया। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर लिखा हुआ है पहली आपके पास एक्सप्रेशन है ए बी, यानी एक्सप्रेशन है ए बी प्लस बी स्क्वायर, उसकी पहली टर्म है ए बी और बाहर की तो पहली टर्म सेम ही है ए बी। तो अब आपने ए बी को ए से डिवाइड करना है इस तरीके से। तो देखें ए ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या आंसर आएगा, जस्ट बी। बी के पीछे कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव बी कहलाया जाएगा, तो आपने यहां पे उसके साइन के साथ लिखना है। आप यहां पे लिखेंगे पॉजिटिव बी, ये आपका आंसर आया जो यहां से मैंने उतार लिया वहां पर, जिस तरह पहले भी आपको समझाया था। अब ये जो आंसर आया होगा ये अपने साइन समेत इधर बाहर लिखी हुई एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा और जो फाइनल आंसर बनेगा वो नीचे लिखा जाएगा। अब देखिए बी को अगर आप ए से मल्टीप्लाई करें तो ए बी आएगा, ये भी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ए बी ही आएगा, तो आप यहां पर लिख लें पॉजिटिव ए बी। इसके पीछे प्लस का साइन लगा लें तो ठीक है, ना लगाएं तो भी ऑब्वियस ही है।
आगे अब आप इस प्लस बी को प्लस बी से करेंगे तो प्लस प्लस तो प्लस ही रहता है, आपको पता है, तो प्लस ही आएगा और बी बी टाइम्स कितना आएगा, बी स्क्वायर आएगा। तो अगेन आप देखें ए बी वाली टर्म्स ए बी के नीचे हैं, बी स्क्वायर वाली टर्म्स बी स्क्वायर जैसी टर्म्स के नीचे हैं। ये भी हमने ध्यान रखना होता है कि लाइक टर्म्स ऊपर नीचे आ रही हूँ, एक जैसी टर्म्स ऊपर नीचे आ रही हूँ, ताकि सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाए। तो यहाँ तक आपने कर लिया, अगेन वो स्टेप दोबारा से, अब जब आप इसको लिख लेंगे दोबारा साइन चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी उसके लिए आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे। और किसके साइन चेंज करेंगे, जो आखिरी एक्सप्रेशन लिखी होगी, जो लेटेस्ट एक्सप्रेशन लिखी होगी, जस्ट उसके। तो ये प्लस ए बी है, इसका साइन हो जाएगा माइनस ए बी, ये प्लस बी स्क्वायर है, इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस। तो ये आपके पास आ गए इसके न्यू साइंस। अब इन न्यू साइंस के मुताबिक आपने इनको सॉल्व करना है, यानी ऊपर लिखा हुआ प्लस ए बी, नीचे लिखा हुआ माइनस ए बी, और आप लोग जानते हैं जब दो सेम चीजें लिखी हैं और वो सब्ट्रैक्ट हो रही हूं तो आंसर जीरो आता है, यानी वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो ए बी माइनस ए बी कितना हो जाएगा, जीरो ए बी। यहां पर बता भी देता हूं, ऊपर लिखा हुआ था प्लस ए बी, नीचे वाले साइन के मुताबिक नीचे लिखा हुआ माइनस ए बी, तो ए बी माइनस ए बी जीरो, जीरो ए बी आप कह लें या जीरो कह लें, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब इधर भी देखिए, ऊपर लिखा हुआ प्लस बी स्क्वायर और नीचे लिखा हुआ है माइनस बी स्क्वायर, इस नए वाले साइन को अगेन यूज करना है, इस पीछे वाले साइन को ना देखिएगा, जो साइन नया करना है जस्ट उसी को यूज करना है। तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगेन सेम चीज में से सेम चीज माइनस करेंगे तो जीरो होगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका तो रिमाइंडर जीरो हो गया, जब सब कुछ कैंसिल आउट हो गया तो आंसर क्या बचा, जीरो। और जो आखिरी में चीज यहां पर बचती है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो ये बेसिकली क्या है आपका रिमाइंडर, मैं यहां पर लिख भी देता हूं। और जब रिमाइंडर जीरो आ जाए इसका मतलब है जो चीज़ ऊपर लिखी हुई है, जो कि आपकी कहलाया करेगी क्वेश्चन, ये आपको चीज़ें पहले भी पता है, इसको हम क्वेश्चन बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन ही आपका आंसर है बेसिकली। इसका मतलब जब ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर को डिवाइड किया जाएगा ए प्लस बी से, तो आपको आंसर मिलेगा ए प्लस बी। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो इसका मतलब हमारे पास ए पार्ट का आंसर आ गया ए प्लस बी, यही हमने फाइंड आउट करना था। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, राउंड ब्रैकेट्स में, ए प्लस बी, दोनों के मीनिंग सेम है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो हमने ए पार्ट सॉल्व कर लिया, उम्मीद है आपको सारे स्टेप समझ आए होंगे। इन्हीं इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अब हमने इसके बाकी पार्ट्स भी करने हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे मेंशनड है ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। तो यहाँ पर भी आपने दोनों एक्सप्रेशंस देखनी है कि पहली एक्सप्रेशन कौन सी है और दूसरी एक्सप्रेशन कौन सी है। तो जैसा मैंने आपको बताया, जो एक्सप्रेशन बिल्कुल स्टार्ट में लिखी होती है इस डिवीजन सिंबल से पहले पहले, इस डिवीजन के साइन से पहले पहले, वही एक्सप्रेशन आपकी पहली एक्सप्रेशन कहलाती है। तो आपकी यहाँ पर पहली एक्सप्रेशन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और इसको डिवाइड किससे करना है, सेकेंड एक्सप्रेशन से, जो कि आपको इस डिवीजन सिंबल के, इस डिवीजन साइन के आगे, इसके बाद नजर आएगी। तो इसके बाद क्या लिखी हुई है, इसके बाद एक्सप्रेशन लिखी हुई है a प्लस बी, यानी आपने इस पहली एक्सप्रेशन a क्यूब प्लस b क्यूब को इस दूसरी एक्सप्रेशन यानी a प्लस b से डिवाइड करके दिखाना है। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको a पार्ट में समझाया है वैसे ही आपने चीजों को करना है, यानी आपने सबसे पहले सेकंड एक्सप्रेशन को लिखना है, यानी उस एक्सप्रेशन को लिखना है जो इस डिवीजन सिंबल या डिवीजन साइन के आगे इसके बाद लिखी हुई है, जो कि a प्लस b। तो आप सबसे पहले इसको यहां पे नोट डाउन कर लें। तो मैंने इसको नोट डाउन कर लिया a प्लस b। इसके बाद आपने इस तरीके से लॉन्ग डिवीजन सिंबल बना लेना है, और उस लॉन्ग डिवीजन सिंबल के इनसाइड, उसके अंदर आपने फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखनी है, जो कि आपके पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये मैंने लिख दी। अब आपने क्या करना है, वही तमाम स्टेप्स जो पिछले पार्ट में समझाए थे, कि जो अंदर लिखी हुई एक्सप्रेशन है जो कि है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसकी पहली टर्म को, जो सबसे स्टार्ट में लिखी हुई है इस प्लस वाले साइन से पहले यानी ए क्यूब, इसकी पहली टर्म को बाहर लिखी हुई एक्सप्रेशन की पहली टर्म से डिवाइड करना है। तो बाहर लिखी हुई एक्सप्रेशन ए प्लस बी और उसकी पहली टर्म बनती है ए, तो अंदर जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है उसकी है पहली टर्म ए क्यूब। तो आपने बेसिकली ए क्यूब को बाहर लिखी हुई एक्सप्रेशन की पहली टर्म ए से डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए क्यूब यानी ए रेस टू पावर थ्री डिवाइडेड बाई ए। अब ये आपको सॉल्व करना आता है, अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता तो आप इस पार को जो है डिफरेंट तरीके से लिख लें, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है ए रेस टू पावर थ्री, इसका मतलब है ए को थ्री टाइम्स लिखें, इस तरह ए टाइम्स ए टाइम्स ए, तीन दफ़ा देखें ए यहाँ पे लिखा है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन डालें, इसी का मतलब होता है ए रेस टू पावर थ्री या ए क्यूब। और नीचे जो ए लिखा हुआ है वो आप वैसे का वैसे लिख लें। तो ये वाला ए के ऊपर किसी भी एक ए से कट जाएगा, तो आप देखेंगे ऊपर सिर्फ दो दफ़ा ए बचा है, यानी ए टाइम्स ए बचा है। तो जब भी दो एक जैसी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों, वो सेम होनी चाहिए, एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, और वो जब मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनके ऊपर पार्ट टू आ जाती है। तो ए टाइम्स ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वेयर। और ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हों जिनकी बेस
बेस सेम हो, बेस बोलते हैं जो पार के नीचे लिखा हो, जैसे इधर वन है इधर भी पार वन है, इन पार वन के नीचे ए ए लिखा हुआ है, तो बेस सेम है। तो जब भी बेस सेम हो, चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो, तो पार्ट्स को ऐड कर देते हैं, तो वन प्लस वन तब भी आप देखेंगे तो क्या बनता है, टू ही बनता है, तो यहाँ पर टू ही लिखा हुआ है। यानी जब आपने ए क्यूब को इस पहली वाली टर्म से, यानी ए से बाहर लिखी हुई एक्सप्रेशन की पहली टर्म ए से डिवाइड किया, तो आपके पास क्या आया, ए स्क्वायर। तो आपके पास जो आंसर आया करेगा, वो मैंने आपको बताया, वो आपने यहाँ पर ऊपर लिख लेना है। तो मैं यहाँ पर ए स्क्वायर लिख लूँगा इस तरीके से। अब आपने इस ए स्क्वायर को, जब आप आंसर लिख लें, इस ए स्क्वायर को बाहर लिखी हुई कंप्लीट एक्सप्रेशन ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करवाना है, और जो अब आंसर आएगा वो इधर ए क्यूब प्लस बी क्यूब के नीचे लिखना है। तो मैं यहाँ पर करवाता हूँ। तो आपने इस बेसिकली ए स्क्वायर को, जो भी आपका आंसर आया था, बाहर लिखी हुई एक्सप्रेशन यानी ए प्लस बी से इस तरीके से मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैंने ए प्लस बी पर राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ कर लिया, ताकि आपको मल्टीप्लीकेशन दिखाना और समझाना आसान रहे। तो सबसे पहले आपको पता है, ये जब आप राउंड ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर ए टाइम्स कितना होता है, ए रेज टू पावर थ्री। बिल्कुल वही रूल जो यहाँ पर बताया, मैं यहाँ पे रफ में कर भी दिखाते हूँ। तो ए स्क्वायर को जब आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर ए है इधर भी ए है, यानी इन दोनों की बेसिस सेम है। पार्ट्स के अलावा जो नीचे लिखा होता है उनको हम बेस बोलते हैं, तो बेसिस सेम है। तो जब बेसिस सेम हो, चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो, तो पार्ट्स को ऐड कर दिया जाता है और बेस को एक दफ़ा लिख दिया जाता है। तो इधर ए को एक दफ़ा लिख दें और टू प्लस वन जो पार्ट्स हैं उनको ऐड करके ऊपर लिख दें पार के तौर पर, टू प्लस वन थ्री होता है, तो ए क्यूब हो गया। तो इसलिए जब यहाँ पर आप राउंड ब्रैकेट हटाएंगे, तो ए स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर ए टाइम्स कितना हो गया, ए क्यूब। अब इसी ए स्क्वायर को जब आप प्लस बी से करवाएंगे, तो प्लस का साइन तो वैसे ही आएगा, क्योंकि बाहर भी प्लस का साइन ही है, प्लस 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 ही होता है, किसी टर्म के पीछे साइन ना हो, आपने प्लस ही कंसिडर करना होता है। सो प्लस प्लस प्लस, और ए स्क्वायर को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर बी। तो यानी ये आपके पास आंसर आया, ये आपने नीचे लिखना है। तो मैं यहाँ पे भी करके बताता हूँ, ए स्क्वायर को ए से करेंगे तो आपके पास आएगा ए रेज टू पावर थ्री, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे ए रेज टू पावर थ्री, जिस तरह यहाँ पे भी बताया था। अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप ए स्क्वायर को प्लस बी से कर रहे हैं, तो आपके पास आ रहा है ए स्क्वायर बी। तो आपने एक चीज़ नोटिस की है कि जिस तरह की टर्म्स ऊपर लिखी होती हैं, उनके नीचे भी उसी तरह की टर्म्स लिखी जाती हैं। जैसे यहाँ पर ए क्यूब लिखा हुआ था, तो नीचे भी देखें ए क्यूब आया है। यानी सेम ना हो, लेकिन एटलीस्ट लाइक टर्म्स हो। लाइक टर्म्स का मतलब है उनमें जो वेरिएबल्स या लेटर्स हों, उनकी पार और वो वेरिएबल सेम होने चाहिए, बेशक कोफिशिएंट कोई भी हो। तो यहां पर भी आप देखें, बी क्यूब के नीचे कोई ऐसी चीज लिखी आनी चाहिए थी जिसके साथ बी क्यूब होता, या जिसमें सिर्फ बी क्यूब होता। तो आपके पास जो यहाँ पर टर्म बच रही है, जो कि आपने नीचे लिखनी है ए स्क्वायर को बी से मल्टीप्लाई करवाने के बाद, वो बच रही है ए स्क्वायर बी। तो जब ऐसा केस आ जाए कि जो नीचे टर्म लिखनी पड़ रही हो वो ऊपर से मैच ना कर रही हो, तो आप उसको थोड़ा सा आगे करके लिख सकते हैं। यानी आप लिख लें यहाँ पर थोड़ा सा आगे करके, बी क्यूब के नीचे एग्जैक्टली ना लिखे, थोड़ा सा आगे करके लिख लें, और वो है ए स्क्वायर टाइम्स बी कितना हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बी। तो देखिए मैंने यही लिखा है, प्लस ए स्क्वायर बी। आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं, तब भी मैनेज हो जाती है, डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है, ज़्यादा बेहतर मुझे ये लगता है, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। अदरवाइज आप डिफरेंट चीज़ों को भी फॉलो कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर को ए से किया, ए क्यूब आ गया, ए स्क्वायर को बी से किया यानी प्लस बी से किया, तो प्लस ए स्क्वायर बी आ गया। अब मैंने आपको कहा है, जब आप ये लिख लेते हैं, आप इनको सबट्रैक्ट करवाना होता है, तो सबट्रैक्ट कराने के लिए जो नीचे आपने टर्म्स लिखी होती हैं, इनके साइन चेंज करने पड़ते हैं, या आप कह लें जो नीचे एक्सप्रेशन लिखी होती है, इनका साइन चेंज करना पड़ता है। तो इस ए क्यूब के पीछे कोई साइन नहीं है, आप प्लस कंसिडर करेंगे, इसको जब आप चेंज करेंगे ये माइनस हो जाएगा। इधर ए स्क्वायर बी के पीछे प्लस का साइन है, तो ये भी जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर ये माइनस होंगे तो प्लस बना देना है, प्लस होंगे तो माइनस बना देना है। और अब आपने इस तरीके से नीचे लाइन डालनी है, और सब्ट्रैक्शन के लिए अब आप इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे। अब हमारा टारगेट यही होता है कि यहाँ पर जो लिखी हुई टर्म्स हैं, ये जो फर्स्ट टर्म्स हैं, इनको किसी तरीके से कैंसिल आउट किया जाए, ताकि हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ता रहे और हम रिमाइंडर तक आ जाएं। और अगर रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, तो ऊपर जो लिखी होगी चीज़ वही हमारा फाइनल आंसर कहलाता है, जिस तरह ए पार्ट में बताया। तो फर्दर सॉल्व किस तरह करना है, यहाँ पर देखिए ऊपर ए क्यूब है, नीचे है माइनस ए क्यूब। याद रखें, इस नए वाले साइन को यूज़ करना है, इन पुराने साइंस को भूल देना है, भूल जाना है। तो ए क्यूब माइनस ए क्यूब कितना होता है, जीरो। आपको पता है कि जब भी आप ए क्यूब में से ए क्यूब ही माइनस करेंगे, तो दो सेम चीज़ें माइनस हो रही हूँ, तो आंसर जीरो ए क्यूब आ जाएगा, या आप खाली जीरो भी लिख सकते हैं, दोनों के मीनिंग सेम ही है, तो इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जीरो मैंने कर दिया। अब आगे आप देखें, पहले आप उस टर्म को लिख लें जो आपके पास नीचे मौजूद है, क्योंकि ये देखें आपके पास नीचे टर्म मौजूद है ए स्क्वायर बी, और इसके पीछे माइनस का साइन है, तो आप इसी को यहाँ पर लिख लें, माइनस का साइन। साइन वही आएगा जो न्यू वाला होगा, जो चेंज किया होगा आपने, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई टर्म है नहीं जिसके साथ इसकी कोई सिंप्लीफिकेशन हो सके। तो ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी
वैसे का वैसे ही, और जो टर्म बच जाती है उसको आपने आगे उतार लेना है। तो टर्म क्या बची, ये वाली टर्म बची प्लस बी क्यूब, इसको आप इसी तरीके से आगे उतार लें प्लस बी क्यूब। तो जब भी आप ये सब्ट्रैक्शन किया करेंगे तो जो टर्म्स नीचे बच जाएंगी वो उतार लिया करेंगे, और जो सबसे ऊपर लिखा हुआ करेंगी वो भी एक टर्म आपने नीचे उतार लेनी है, जिस तरह मैंने उतार लिया है। आप इनको बाद में भी अरेंज कर सकते हैं, यानी पहले बी क्यूब उतार लें, बाद में ये लिख लें और उसके बाद अरेंजमेंट इस तरह बना लें, वो भी ठीक है, और इसी तरीके से फॉलो कर लें जिस तरह मैंने आपको बता दिया, वो भी ठीक है, चॉइस आपकी है। अब मैं ये साथ से जो वर्किंग है ये हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे और वर्किंग करनी है और मैं चाहता हूँ कि वो इसके पैरेलल ही हो ताकि आपको समझाना आसान हो। तो मैं ये वर्किंग यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो अब हमने क्या करना है, अब अगेन दोबारा से वही स्टेप्स रिपीट करने हैं। कौन से स्टेप्स, कि जो मैंने आपको स्टार्ट में समझाए थे। अब आपकी जो न्यू एक्सप्रेशन है वो है माइनस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। तो इस एक्सप्रेशन की भी आपने पहली टर्म देखनी क्या है, तो इसकी पहली टर्म है नेगेटिव ए स्क्वायर बी, और इसको अगेन बाहर लिखी हुई पहली टर्म से आपने डिवाइड करना है। तो बाहर जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है इसकी पहली टर्म ए है, यानी आपने क्या करना है, आपने माइनस ए स्क्वायर बी को डिवाइड कर देना है इस a से, जो बाहर की एक्सप्रेशन की पहली टर्म है। अब आपने इसको मजीद सॉल्व कर लेना है, अगेन ऊपर ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ए स्क्वायर को आप इस तरह लिख सकते हैं, ये माइनस का साइन आप बाहर लिख लें इसी तरीके से, और ए स्क्वायर को आप इस तरह लिख सकते हैं a टाइम्स a और साथ टाइम्स b, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा a। तो ये एक a ऊपर लिखे हुए एक a से कैंसिल हो सकता है, तो जस्ट क्या बच जाएगा, ऊपर एक माइनस का साइन बचेगा, एक ये a बचेगा, और उसके साथ ये आगे मल्टीप्लाई बाय b बचेगा। तो माइनस a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस ए बी। तो ये ए स्क्वायर लिखा हुआ था, इसके पीछे नेगेटिव साइन था, ये पूरे इस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स लगाकर समझाया है कि ए स्क्वायर का मतलब होता है a टाइम्स a, उसकी जगह पे a टाइम्स a लिख दिया, b को आगे वैसे ही लिख दिया जो कि मल्टीप्लाई हो रहा था, और नीचे वाला a वैसे ही रहा। तो ये नीचे एक a, ऊपर वाले एक a से कैंसिल हो गया, तो ऊपर एक a बचा और साथ b बचा, जिसको हम कह सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय b बचा, और पीछे माइनस का साइन वैसे ही। तो देखें यहाँ पे माइनस का साइन वैसे ही आया, और a टाइम्स b कितना होता है ab, यानी आपका आंसर क्या आ गया, माइनस ए बी। तो जो आपका आंसर आएगा वही आपने ऊपर लिखना है, तो आप ऊपर लिख लेंगे माइनस ए बी, ये मैंने लिख लिया। अब जो आंसर आएगा उसको बाहर लिखी हुई एक्सप्रेशन से अगेन मल्टीप्लाई करवाना है, तो आपने एक तरह का माइनस ए बी को मल्टीप्लाई करवाना है ए प्लस बी से, जिसको मैं राउंड ब्रैकेट्स के अंदर यहां पर लिख रहा हूं। तो यहां पे पहले आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं, फिर वहां पर नीचे लिख दूंगा। तो जब माइनस ए बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बाहर नेगेटिव टर्म है तो अंदर साइन चेंज होंगे, ये पॉजिटिव ए है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो पहले तो माइनस लगाना पड़ेगा। तो जब राउंड ब्रैकेट्स खोलेंगे, ए बी अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस तो माइनस कर चुका हूं, तो ए बी को जब ए से करेंगे तो a a टाइम्स कितना होता है, यानी दो सेम चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो, तो हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर, b साथ वैसे ही आ जाएगा, यानी माइनस ab को प्लस a से करेंगे तो माइनस a स्क्वायर b आ जाएगा। तो इसी तरीके से इस माइनस ab को प्लस b के साथ भी करना है, तो अंदर प्लस का साइन है, बाहर माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, तो ab को जब b से करेंगे, a तो वैसे ही लिखना पड़ेगा, और b b से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, b स्क्वायर, यानी हो जाएगा माइनस ab स्क्वायर। तो आपको पता चल गया इसका क्या आंसर आना चाहिए। अब यहां पे भी लिख देते हैं, यानी जब माइनस ab को a से करेंगे तो जिस तरह आपको बताया, यहां पे आ जाएगा माइनस a स्क्वायर b, और अगेन जब माइनस ab को प्लस b से करेंगे तो आएगा माइनस ab स्क्वायर, यहां पे करके बता दिया है। तो देखिए b क्यूब के नीचे तो कुछ ऐसी चीज ही होनी चाहिए थी जिसमें b क्यूब हो, तो ये माइनस ab स्क्वायर है, तो आप इसको थोड़ा सा आगे करके इस तरीके से लिख लें ताकि आपको याद रहे कि ये इससे डिफरेंट है, यानी माइनस ab को ऐसे किया माइनस ए स्क्वायर बी, और माइनस ab को प्लस b से किया तो माइनस ab स्क्वायर, जिस तरह यहां पे बताया था। अब अगेन सब्ट्रैक्ट करना है, इनके साइन चेंज कर दें, ये माइनस का साइन है, जो फ्रेश एक्सप्रेशन लिखी होगी नीचे जो रेड से लिखी हुई है, जस्ट इसके साइन चेंज करने, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस के साइन के साथ है, ये हो जाएगा प्लस, और यहां पे इस तरीके से लाइन डाल लें। ये प्लस के साइन के साथ है, ऊपर वाला माइनस के साइन के साथ है, जब भी ऊपर नीचे कोई चीज इस तरह लिखी हो, एक प्लस के साइन के साथ हो, एक उसके टोटली ऑपोजिट यानी नेगेटिव साइन के साथ हो, तो वो कैंसिल आउट हो जाती है। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि ए स्क्वायर बी में से ए स्क्वायर बी माइनस हो रहा है, तो ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी कितना होता है, जीरो स्क्वायर बी, यानी जीरो होता है। तो ये प्लस के साइन के साथ था, वो माइनस के साइन के साथ था, ये कैंसिल हो गया। अब यहां पर जो ये एक एक्सप्रेशन लिखी हुई जिसके ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, यानी ऊपर कुछ नहीं है, तो इसको आप एज इट इज नोट कर लें, इसका नया साइन प्लस है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे प्लस ए बी स्क्वायर, यानी इसके साथ आप इसको सॉल्व करेंगे और लिखेंगे बी सी के साथ ही। और ये जो ऊपर वाली आपके पास एक टर्म बच गई प्लस बी क्यूब, इसको आप इस तरीके से आगे लिख लें। तो ये देखिए मैंने ये आगे लिख लिया, अगेन यहां तक हमने कर लिया। अब फिर दोबारा वही सेम प्रेस, वही सेम प्रोसेस आपने दोबारा शुरू, तो वो क्या है, वो ये है कि अब जो आपके पास एक्सप्रेशन आई है, अगेन उसकी पहली टर्म को बाहर लिखी हुई पहली एक्सप्रेशन के पहली टर्म से डिवाइड करना है, यानी अब आपके पास ए बी स्क्वायर है और इसको आपने डिवाइड करना है बाहर लिखी हुई एक्सप्रेशन की पहली टर्म ए से। तो आप लिखेंगे कि ए बी स्क्वायर को
डिवाइड कर दें ए से, तो ये बड़ा आसान है, ये ए इस ए से हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आंसर आएगा, बी स्क्वेयर। तो जो आंसर आता है मैंने आपको बताया वो आपने ऊपर लिखना है, तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख लूंगा, ये प्लस बी स्क्वेयर है, इसके पीछे कोई साइन नहीं है तो प्लस ही यूज़ करेंगे, तो प्लस बी स्क्वेयर आ गया ऊपर। अब जो आंसर आया होगा इसको बाहर वाली एक्सप्रेशन से जाहिर बात है मल्टीप्लाई भी करना है, यानी बी स्क्वेयर को बाहर लिखी हुई एक्सप्रेशन यानी ए प्लस बी से मल्टीप्लाई भी करना है, तो बी स्क्वेयर को ए से करेंगे तो ए बी स्क्वेयर आ जाएगा, ये दोनों डिफरेंट लेटर्स हैं जैसे इस तरह करके लिख देंगे, और बी स्क्वेयर को प्लस बी से करेंगे तो आपको पता है ये दोनों की बेस सेम है, यानी ये भी बी है ये भी बी है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो जब चीजें मल्टीप्लाई कर रहे हो और बेस सेम हो तो पार्ट्स को ऐड कर देते हैं, इस बी के ऊपर पार्ट वन है, इस बी के ऊपर पार्ट टू है, तो बी स्क्वेयर को जब बी से करेंगे तो बेस तो वैसे ही आएगी, यानी बी तो वैसे ही आएगा, पार को ऐड कर देंगे तो 2 + 1 कितना होता है 3, यानी बी क्यूब आ जाएगा, वैसे भी आप समझते हैं बी स्क्वेयर को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्यूब आएगा, तो ये आप आपने एक्सप्रेशन नीचे कोट करनी है, यानी बी स्क्वेयर को ए से किया मल्टीप्लाई तो आ गया ए बी स्क्वेयर, ये मैंने लिख दिया ए बी स्क्वेयर, और प्लस बी स्क्वेयर को प्लस बी से किया तो यहाँ पर बता चुका हूँ प्लस बी क्यूब आ गया, तो वो यहाँ पर लिख देंगे प्लस बी क्यूब। अब अगेन सब्ट्रैक्शन करनी है आपने, साइन चेंज करना है, ये जो नीचे ब्लू से लिखी हुई एक्सप्रेशन इसके जस्ट साइन चेंज होंगे, ये प्लस की है तो ये क्या हो जाएगी माइनस की, ये प्लस बी क्यूब है ये भी क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये ऊपर देखें ए बी स्क्वायर है नीचे ए बी स्क्वायर है, दोनों के साइन ऑपोजिट हैं, इसका प्लस है इसका माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। इधर भी ऐसे ही है, बी क्यूब के सब पीछे प्लस का साइन है, इधर बी क्यूब के पीछे नेगेटिव का साइन है, यानी चीजें सेम है साइन ऑपोजिट है, तो ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यानी यहाँ पे सिर्फ जीरो बचेगा, जब कुछ भी ना बचा तो जीरो बचा, यानी इसका रिमाइंडर कितना आ गया जीरो, और जब रिमाइंडर जीरो आ जाए तो जो चीज ऊपर लिखी होगी जिसको हम क्वेश्चन बोलते हैं वही आपका आंसर कहलाएगी, इसका मतलब जब आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए प्लस बी पर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो हमारे पास यहां पर आंसर आ गया, मैं इसको लिख देता हूं, हमारा आंसर आया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो यहां पर हमारा ये पार्ट फिनिश हुआ, उम्मीद है आपको ये सारे स्टेप समझ आएंगे, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने लिखा हुआ सी पार्ट नजर आ रहा है, तो अब आपको सामने स्क्रीन पर सी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो सी पार्ट में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, और इस पूरी कंप्लीट फर्स्ट एक्सप्रेशन को आपने डिवाइड करके दिखाना है उस एक्सप्रेशन से जो कॉमा के आगे लिखी हुई है, यानी कॉमा के बाद लिखी हुई है जो कि है x प्लस 2। अब इस पार्ट के अंदर उन्होंने बीच में डिवीजन का सिंबल डिवीजन का साइन आप कह लें नहीं यूज किया, तो उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, जो एक्सप्रेशन कॉमा से पहले लिखी हुई है यानी स्टार्ट में लिखी हुई है वो फर्स्ट एक्सप्रेशन ही रहेगी, और जो कॉमा के बाद लिखी हुई है वो सेकेंड एक्सप्रेशन ही रहेगी, यानी आपने इस कंप्लीट फर्स्ट एक्सप्रेशन को इस सेकेंड एक्सप्रेशन से डिवाइड करके दिखाना है। अब किस तरह करेंगे, जिस तरह पिछले पार्ट्स में आपको समझाया वैसे चीजों को मैनेज करेंगे, यानी जिससे डिवाइड करना है जो कि सेकंड एक्सप्रेशन है जो कि कॉमा के बाद लिखी हुई है उसको सबसे पहले नोट डाउन करेंगे, तो आप सबसे पहले नोट डाउन कर लेंगे x प्लस 2 को, आगे आपने इस तरह का लॉन्ग डिवीजन सिंबल बनाना है जिस तरह मैंने बना लिया, और उसके अंदर ये पहली एक्सप्रेशन लिख देंगे जो कॉमा से पहले है जो कि है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 2, यहां तक हमने कर लिया। अब बाकी स्टेप्स फिर दोबारा सेम है कि अंदर लिखी हुई एक्सप्रेशन की पहली टर्म को बाहर लिखी हुई एक्सप्रेशन की पहली टर्म से डिवाइड कर देना है, तो अंदर जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इसकी पहली टर्म है एक्स क्यूब, और बाहर जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है एक्स प्लस 2 उसकी पहली टर्म है एक्स, तो आपने एक्स क्यूब को डिवाइड कर देना है एक्स पे, तो आप यहां पर लिख लें हम डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब को किसके ऊपर एक्स के ऊपर, और ये आपको करना आता है, एक्स क्यूब को आप इस तरह लिख सकते हैं एक्स टाइम्स एक्स टाइम्स एक्स, क्योंकि इसकी पार्ट 3 है तो तीन दफ़ा एक्स लिखेंगे और बीच में मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, यानी आप कह सकते हैं एक तरह की इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देंगे, और नीचे ये लाइन वैसे ही और नीचे वाला एक्स वैसे, ये नीचे वाला एक एक्स किसी एक एक्स से कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर सिर्फ दो एक्स बचते हैं जो कि है एक्स टाइम्स एक्स, और जब भी दो सेम चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं जिनकी पार भी सेम होनी चाहिए तो उनके ऊपर पार 2 आ जाती है, तो एक्स टाइम्स एक्स कितना होता है एक्स स्क्वायर होता है, ये आपको पता है। तो जो आपका आंसर आया करेगा आपको मैंने बताया वो आपने ऊपर लिखा करना है, तो आपका आंसर आया एक्स स्क्वायर तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर, देखिए मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब जो आंसर आएगा इसको आपने बाहर लिखी हुई एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना होता है, ये सारी चीज़ें अब आपको पता है, यानी अब आपने इस एक्स स्क्वायर को बाहर लिखी हुई एक्सप्रेशन एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर और इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस 2 से जो कि ये बाहर वाली एक्सप्रेशन है, तो जब आप एक्स स्क्वायर को एक्स से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब, क्योंकि जब भी आप ब्रैकेट्स खोलते हैं बाहर लिखी हुई टर्म को अंदर लिखी हुई तमाम टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर को एक्स से करेंगे तो कितना आएगा एक्स क्यूब, वैसे भी आप ये चीज़ समझ सकते हैं ये दोनों एक्स हैं यानी दोनों की बेस सेम है, जब बेस सेम होती है तो पावर को ऐड करते हैं मल्टीप्लाई करते वक्त, इस एक्स के ऊपर पावर 1 है इसके पावर 2 थी तो 2 + 1 कितना होता है 3, तो यूं भी कह सकते हैं एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स
एक्स रेज टू पावर 3, आगे प्लस का साइन, और जब एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर आ गया 2x स्क्वायर। अब आपने यही कंप्लीट एक्सप्रेशन नीचे उतार लेनी है, मैं आपको ये वहाँ पर भी मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा। आप देखें एक्स स्क्वायर को जब पहले वाले एक्स से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब जैसे अभी समझाया, और एक्स स्क्वायर को जब प्लस 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2x स्क्वायर जैसा आपको यहाँ पे करके बता चुका हूँ। अब जब आप ये एक्सप्रेशन लिख चुके होते हैं, अब आपने इस नई वाली एक्सप्रेशन के साइन चेंज करने होते हैं, यानी इसके टर्म के साइन चेंज कर दें, जो प्लस है उसे माइनस कर दें, जो माइनस है उसे प्लस बना दें। एक्स क्यूब के पीछे कोई साइन नहीं यानी प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस, 2x स्क्वायर के पीछे प्लस का साइन है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस, माइनस होते तो प्लस हो जाते, और इस तरह यहाँ पे ये आपने लाइन डाल लेनी है। इसको कहते हैं सब्ट्रैक्ट करना, ये आप सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब देखिए ऊपर एक्स क्यूब लिखा हुआ है और नीचे वाली टर्म्स के नए वाले साइन यूज करने हैं, पुराने वाले नहीं। तो ये इधर लिखा हुआ है माइनस एक्स क्यूब, यानी एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब को माइनस किया जा रहा है। तो आपको पता है जब दोनों सेम चीज़ें माइनस होंगी ये कैंसिल आउट हो जाएंगी यानी जीरो आ जाएगा, तो ये एक्स क्यूब इस माइनस एक्स क्यूब से कैंसिल हो जाएगा यानी जीरो आ जाएगा। और यही हमारा टास्क होता है कि हम टर्म्स को यहाँ से कैंसिल आउट करें ताकि चीज़ें आसान हो सकें। अब आगे देखें लिखा हुआ है प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे नए साइन के साथ लिखा हुआ है नेगेटिव 2x स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ प्लस एक्स स्क्वायर और नेगेटिव 2x स्क्वायर तो ये ऐसे लिखा जाएगा। एक्स स्क्वायर के पीछे कोई चीज़ नहीं है, आप 1 लिख सकते हैं, तो 1x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस करना है, तो इसके पीछे कोई साइन नहीं है, प्लस लगाएंगे तो प्लस माइनस माइनस यानी माइनस करना है। आप 2 में से 1 माइनस करें 1 आएगा, एक्स स्क्वायर को साथ वैसे का वैसे ही लिख लें, और साइन बड़ी वैल्यू का आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में, 2x स्क्वायर बड़ा है इसके पीछे माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1x स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास माइनस 1x स्क्वायर। यहाँ तक हमने कर लिया। जब आपकी सब्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाए तो आपने अगली टर्म को नीचे उतार लेना होता है, तो अगली टर्म ऊपर से आप देखें नेगेटिव 3x है, उसको आप यहाँ पर नीचे उतार लेंगे इस तरीके से। यहाँ तक हमने ये एक प्रोसीजर पूरा कर लिया। अब यही सेम प्रोसीजर दोबारा से रिपीट करना है इस न्यू एक्सप्रेशन के लिए, तो जो साथ वर्किंग किया है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो अब आपने अगेन वही स्टेप्स को रिपीट करना है। कौन से स्टेप्स? कि जो यहाँ पर एक्सप्रेशन अब फ्रेश लिखी हुई है जो कि नेगेटिव 1x स्क्वायर नेगेटिव 3x, इस एक्सप्रेशन की पहली टर्म को बाहर लिखी हुई एक्सप्रेशन की पहली टर्म से डिवाइड करना है। वही स्टेप्स जो अभी दोबारा से हमने पिछले पार्ट्स में भी किए हैं और इस क्वेश्चन के स्टार्ट में भी किए हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, इस बार आप नेगेटिव 1x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे बाहर लिखी हुई एक्सप्रेशन की पहली टर्म से जो कि है एक्स। और अभी बड़ा क्लियर है कि ये एक एक्स ऊपर एक एक्स से कट जाएगा तो ऊपर जस्ट माइनस 1 और साथ एक एक्स आ जाएगा। इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि माइनस 1 वैसे ही लिख लें, एक्स स्क्वायर का मतलब है इस तरीके से एक्स को लिखना, यानी एक्स टाइम एक्स यानी दो दफ़ा एक्स प्रोडक्ट फॉर्म में इस तरीके से, और नीचे वाला एक्स वैसे ही लिख दें। ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए दरमियान में मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है। ये एक एक्स से कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा माइनस 1 और एक्स, और माइनस 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 1x, यानी आपके पास क्या आंसर आया माइनस 1x। जो आंसर आता है मैंने आपको बताया यहाँ पे आपने लिखना है, यहाँ पे आप माइनस 1x लिख लें या खाली माइनस x लिख लें, दोनों के मीनिंग सेम है। आप माइनस 1x भी लिख लें वो भी सही है, माइनस x लिख लें वो भी सही है। अब आपने क्या करना है, इस माइनस x को जो आंसर आता है दोबारा से इधर बाहर लिखी हुई एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है, यानी आपने माइनस x को बाहर लिखे हुए x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। अब कैसे करवाएंगे, जब आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे जाहिर बात है इस बार बाहर जो टर्म लिखी हुई है उसके पीछे माइनस का साइन है तो अंदर साइन तो चेंज होंगे, यानी इस x के पीछे प्लस का साइन है, सो प्लस माइनस माइनस, और x x टाइम्स क्या होता है जब दो सेम चीजें मल्टीप्लाई होती है तो उसके ऊपर पार्ट 2 आ जाती है, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी माइनस x को प्लस x से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी सेम माइनस x को प्लस 2 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लीकेशन केस में बनता है साइन माइनस, यानी प्लस माइनस माइनस अंदर लिखेंगे, और x 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, यानी आपके पास इसका आंसर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यही आपने यहाँ पे लिख देना है। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को पहले वाली टर्म x से करेंगे तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिया आप देख सकते हैं यहाँ भी निकाल के दिखाया है, और माइनस एक्स को प्लस 2 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस आना है मैं इसको सही करके लिख दूँ, यहाँ पे आएगा माइनस और साथ आपके पास आ जाएगा एक्स 2 टाइम्स 2x, जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया। अब अगेन इनके भी साइन चेंज कर दें तो इन जो नई आपने एक्सप्रेशन लिखी है रेड कलर से इसके साइन चेंज होंगे जस्ट, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये माइनस 2x प्लस, इसको कहते हैं सब्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ पे इस तरह लाइन डालें। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1x स्क्वायर, ये भी एक तरह का 1x स्क्वायर है, आप खुद से इसके आगे 1 लिख सकते हैं यहाँ पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लिखा हुआ है पॉजिटिव 1x स्क्वायर और ऊपर लिखा हुआ नेगेटिव 1x स्क्वायर, तो दोनों सेम चीज़ें हैं सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो कैंसिल आउट हो जाएगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे कि ऊपर लिखा हुआ था नेगेटिव 1x स्क्वायर, नीचे लिखा हुआ है पॉजिटिव 1x स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस होता है 1x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर यानी 0x स क्वायर, जिसको आप खाली 0 भी लिख सकते हैं, तो इसलिए मैंने इनको कैंसिल आउट कर दिया कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आगे आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिव 3x और नीचे नए साइन के साथ लिखा हुआ है प्लस 2x, तो आप लिख लें नेगेटिव 3x और प्लस 2x,
प्लस माइनस माइनस यानी माइनस करना है, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, x साथ वैसे ही साइन बड़ी वैल्यू का, 3 बड़ी वैल्यू इसके पीछे माइनस है तो माइनस 1x, यानी माइनस 3x प्लस 2x आ जाएगा, माइनस 1x कह लें या खाली माइनस एक्स कह लें, दोनों के मीनिंग सेम है। तो यहाँ तक हमने इसको कर लिया। जब आप सब्ट्रैक्शन कंप्लीट कर लेते हैं तो अब आपने अगली टर्म को भी नीचे उतार लेना है, जो सबसे ऊपर लिखी हुई है, जो कि सिर्फ बच गई है माइनस 2, उसको आप नीचे उतार लेंगे यहाँ तक। अब फिर दोबारा आपने यही स्टेप्स रिपीट करने हैं जो अभी समझाए हैं। तो मैं वर्किंग डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से। तो अब आपने फिर दोबारा वही स्टेप्स रिपीट करने हैं। अब आपके पास यहाँ पे एक्सप्रेशन है माइनस एक्स माइनस टू, और इसकी पहली टर्म बनती है माइनस एक्स। अगेन आपने इस पहली टर्म को बाहर लिखी हुई पहली टर्म से डिवाइड करना है। तो अब आपके पास इधर है माइनस एक्स, और इसको आपने डिवाइड करना है बाहर लिखी हुई एक्सप्रेशन की पहली टर्म से एक्स से। तो आप देखें ये एक्स और एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, जस्ट माइनस बचेगा। जस्ट माइनस का बचने का मतलब है माइनस वन बचेगा। तो जब ऊपर नीचे सेम सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाती हैं तो वहाँ पे वन बचता है, माइनस का साइन पहले से था तो आप कहेंगे माइनस वन बचेगा। तो आपने जो आंसर आया, जो कि आया माइनस वन, इसको आप यहाँ पर लिख लेंगे। मैंने यहाँ पर लिख लिया माइनस वन। अब जो आंसर आया होता है इसको बाहर लिखी हुई एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी जो माइनस वन आंसर आया इसको आप एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये करना बड़ा आसान है, माइनस वन को एक्स से करेंगे तो माइनस वन एक्स आ जाएगा, या खाली एक्स लिख लें, दोनों का सेम है। राउंड ब्रैकेट्स ओपन करनी पड़ती हैं, और बाहर लिखे हुए नंबर को अंदर लिखे हुए टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, जो मैं कर रहा हूं। तो माइनस वन को एक्स से किया माइनस एक्स, और माइनस वन को प्लस टू से करूंगा तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। मल्टीप्लीकेशन का कैसा साइन लिखना है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और वन टू टाइम्स कितना हो जाएगा, टू, यानी आंसर आएगा माइनस एक्स माइनस टू। तो यहां पर लिख लेते हैं माइनस वन को एक्स से करेंगे तो पॉजिटिव एक्स, जैसे मैंने आपको बताया, सॉरी नेगेटिव एक्स, यानी माइनस वन को एक्स से किया तो नेगेटिव एक्स, और माइनस वन को प्लस टू से किया तो जिस तरह बताया तो आ जाएगा नेगेटिव टू। यहाँ तक हो गया। अब साइन चेंज कर लें इनके भी, जो नीचे एक्सप्रेशन लिखी है ब्लू कलर से, इसके सिर्फ टर्म के साइन चेंज होंगे। ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये माइनस टू है प्लस हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह लाइन डाल लें, ये सब्ट्रैक्शन करना कहलाता है। ऊपर है माइनस एक्स और नीचे नए साइन के साथ है प्लस एक्स, यानी लिखा हुआ है माइनस एक्स प्लस एक्स, और आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, तो एक्स में से एक्स माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा, यानी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसलिए हम कहेंगे ये कैंसिल आउट हो गए। इधर लिखा हुआ है माइनस टू ऊपर, और नीचे ब्लू में लिखा हुआ है नए साइन के साथ प्लस टू, नए वाला साइन यूज करेंगे, अगेन प्लस माइनस माइनस होता है, टू माइनस टू जीरो हो जाएंगे, तो हम कह देंगे ये भी कैंसिल आउट हो गए। तो सारी चीज़ें कैंसिल आउट होगी तो आंसर आ गया जीरो। ये आपका कहलाता है रिमाइंडर। आपका रिमाइंडर जब जीरो आ गया, इसका मतलब जो ऊपर कोशेंट लिखा हुआ है यही आपका आंसर है। इसका मतलब एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू को एक्स प्लस कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, और जो आंसर आ रहा है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो इस पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया। ऊपर जो कोशेंट लिखा हुआ है इसको कोशेंट बोलते हैं, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। तो आप यहां पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस वन, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो यहां पे ये पार्ट कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर इसका लास्ट पार्ट यानी डी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पे लिखा हुआ है एट एक्स क्यूब माइनस टेन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री, और अब आपने इस पूरी एक्सप्रेशन को डिवाइड करके दिखाना है एक्स माइनस वन से। अब यहां पे बीच में बाय का वर्ड यूज हुआ है। बाय का वर्ड का मतलब यही है कि आपने इस पहली एक्सप्रेशन को इस दूसरी वाली एक्सप्रेशन से डिवाइड करके दिखाना है। तो जो बाय से पहले लिखी हुई एक्सप्रेशन वो कंप्लीट फर्स्ट एक्सप्रेशन कहलाएगी, और जो इस बाय वर्ड के बाद है यानी एक्स माइनस वन, वो आपकी सेकंड एक्सप्रेशन कहलाएगी। तो पिछले पार्ट की तरह आपने सबसे पहले सेकंड एक्सप्रेशन को लिखना है। तो हम यहां पे लिखेंगे x माइनस वन, ये लॉन्ग डिवीजन का सिंबल इस तरीके से लगाना है, और इसके इनसाइड फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन को लिख देना है, जो कि है एट एक्स क्यूब, यहां पे आप लिखेंगे एट एक्स क्यूब माइनस टेन एक्स स्क्वायर, ये मैं ऊपर से उतार रहा हूं, माइनस x, और साथ आ जाएगा प्लस थ्री। तो ये मैंने कंप्लीट ऊपर से नीचे एक्सप्रेशन उतार ली। अब जिस तरह मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं आपने वैसे ही फॉलो करनी है। अब आप देख सकते हैं जो अंदर आपने एक्सप्रेशन लिखी है, इसमें जो पहली टर्म है वो है एट एक्स क्यूब। तो अब आपने इस पहली टर्म को बाहर लिखी हुई एक्सप्रेशन यानी एक्स माइनस वन जो है बाहर लिखी हुई एक्सप्रेशन, उसकी पहली टर्म से डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि आप एट एक्स क्यूब को डिवाइड करेंगे किससे, बाहर लिखी हुई एक्सप्रेशन की पहली टर्म यानी एक्स से। अब ऊपर एक्स के ऊपर पार्ट थ्री है, जिसका मतलब है आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, यानी तीन दफ़ा एक्स लिख सकते हैं, एक्स टाइम्स एक्स टाइम्स एक्स, इस तरह आप तीन एक्स लिखेंगे प्रोडक्ट फॉर्म में, बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, इसी का मतलब होगा एक्स रेस टू पावर थ्री, और नीचे एक्स वैसे ही का वैसे ही। तो ये वाला एक एक्स ऊपर वाले किसी भी एक एक्स से कट जाएगा, तो इधर आ जाएगा एट और मल्टीप्लाई का साइन, और एक्स को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। जब भी दो सेम चीजें मल्टीप्लाई होती है उनके ऊपर पार्ट टू आ जाती है। अब एट पीछे लिखा हुआ है तो एट एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी एट एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा कंप्लीटली एट एक्स स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो आपका आंसर आएगा, हमारा आंसर आया एट एक्स स्क्वायर, वो यहां पर आप ऊपर लिख लेंगे। तो हम यहां पर ऊपर लिख लेंगे एट एक्स स्क्वायर,
अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा आपने इस 8x² को बाहर लिखी हुई एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करवाना है, यानी आप 8x² को मल्टीप्लाई करवाएंगे बाहर लिखी हुई एक्सप्रेशन यानी x माइनस 1 से, जो मैं यहीं पे आपको मल्टीप्लाई करवा के दिखा रहा हूँ। तो जब आप 8x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² और x मिलकर तो x³ बना देगा, क्योंकि जब भी दो वेरिएबल्स इस तरह के मल्टीप्लाई होते हैं जिनकी बेस सेम होती है, इन दोनों x की बेस सेम है तो उनके पार्ट्स को ऐड कर दिया जाता है। तो x² को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस तो सेम है तो वो x तो वैसे ही आएगा, 2 और प्लस 1 होकर 3 हो जाएगा यानी x³ हो जाएगा, और पीछे 8 भी है तो 8x³ हो जाएगा, यानी 8x² को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x³ हो जाएगा। और इसी सेम 8x² को जब आप माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको वापस 8x² ही मिलेगा। और राउंड ब्रैकेट हटा देंगे क्योंकि आप अंदर बाहर लिखी हुई एक्सप्रेशन को अंदर लिखी हुई तमाम टर्म से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, या बाहर लिखी हुई टर्म को अंदर लिखी हुई तमाम टर्म से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब ये चीज़ मैंने यहाँ पर नीचे लिखनी है, तो 8x² को जब पहले वाले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x³ आएगा, तो यहां पे देखिए 8x³ आ गया। और इसी 8x² को जब माइनस 1 से करेंगे जिस तरह यहां पे करके बताया, तो माइनस 8x² आएगा, तो यहां पे आप माइनस 8x² लिख देंगे। जब आप यहां तक लिख लेते हैं, अब आपने सब्ट्रैक्शन करनी होती है, उसके लिए आपको साइन चेंज करने पड़ते हैं। तो ये जो नई एक्सप्रेशन लिखी है इसके टर्म्स के साइन चेंज कर दें, ये प्लस 8x³ है इसको माइनस कर दें, ये माइनस है इसको प्लस कर दें, जो भी साइन होगा उल्टा देना, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर देना। अब आप इनको सॉल्व करें तो देखिए ये ऊपर 8x³ प्लस के साथ है, नीचे वाले 8x³ का भी नया वाला साइन यूज करना है जो कि माइनस वाला है। तो ये एक तरह का लिखा हुआ है 8x³ ऊपर वाला, और नीचे वाला 8x³ के पीछे माइनस है, तो आप लिख सकते हैं माइनस 8x³। तो 8x³ में से 8x³ निकालेंगे तो 0x³ आ जाएगा, यानी 0 आ जाएगा, इसका मतलब है ये कैंसिल हो गया, और यही हम चाहते थे कि ये कैंसिल आउट हो जाए। आगे आप चलें तो लिखा हुआ है माइनस 10x² ऊपर और नीचे प्लस 8x², जिसको आप लिख सकते हैं माइनस 10x² ऊपर और नीचे प्लस 8x², ये मैं आपको यहां पे भी करके दिखा रहा हूं। तो प्लस माइनस कितना होता है, माइनस यानी माइनस करना है, तो 10 में से 8 माइनस कर दें 2 आ जाएगा, x² साथ वैसे, यानी माइनस 10x² प्लस 8x² होता है 2x², और साइन बड़ी वैल्यू का, तो 10x² बड़ी वैल्यू है, इसके पीछे माइनस है तो यहां पे भी आएगा माइनस। तो आप यहां पे लिख दें कि माइनस 10x² प्लस 8x² हो जाएगा माइनस 2x². तो जब आप ये सब्ट्रैक्शन कंप्लीट कर लें, इसके बाद आपने क्या करना होता है, जो ऊपर से अगली टर्म को नीचे उतार लेना होता है, तो ऊपर माइनस x लिखा हुआ है आपने इसको इसके आगे उतार लेना है। तो यहां पर आपके पास ये एक कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब आपने आगे दोबारा से सेम स्टेप्स करने, यही जो मैंने आपको अभी समझाए हैं, तो मैं कैलकुलेशन रिमूव कर देता हूं। तो अब आपने क्या करना है, अब आपके पास ये न्यू एक्सप्रेशन लिखी हुई है माइनस 2x² माइनस एक्स, और इस कंप्लीट एक्सप्रेशन में भी जो पहली टर्म बनती है वो ये बनती है माइनस 2x². अब आपने अगेन इधर से पहली एक्सप्रेशन को बाहर लिखी हुई पहली एक्सप्रेशन के पहली टर्म से डिवाइड करना है, यानी यहाँ पे जो एक्सप्रेशन की पहली टर्म है वो है माइनस 2x², और जो बाहर एक्सप्रेशन की पहली टर्म है एक्स, उससे आपने इस माइनस 2x² को, यानी इस माइनस 2x² को बाहर लिखी हुई पहली टर्म x से आपने डिवाइड कर देना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2x² और इसको डिवाइड करेंगे बाहर की एक्सप्रेशन की पहली टर्म से यानी x से। तो ये एक x ऊपर वाले एक x से कट जाएगा, जिसको आप यूं भी कर सकते हैं कि माइनस 2 वैसे लिख दें, x² का मतलब है दो दफ़ा x यानी x टाइम्स x, और नीचे वाला x वैसे का वैसे, ये एक x किसी भी एक x से कट जाएगा, तो माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, माइनस 2x, यानी आपका आंसर आया माइनस 2x। तो जो आंसर आता है वो ऊपर लिखते हैं, यानी ऊपर लिखेंगे माइनस 2x। अब जो आंसर आया इसको बाहर लिखी हुई एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, जैसा आपको बता चुका हूँ, यानी माइनस 2x को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे x माइनस 1 से। तो आप माइनस 2x को जब x से करेंगे, माइनस 2 तो वैसे ही आएगा, x x टाइम्स कितना हो जाएगा x² यूं भी कह सकते थे, x के पीछे प्लस साइन था, प्लस माइनस माइनस, और 2x को जब x से किया तो हो गया 2x² 2 वैसे ही x x टाइम्स x² दो सेम चीज़ें, तो ऊपर पार्ट 2 आ जाएगी। आगे जब माइनस 2x को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस लगाना है, प्लस लगाएंगे और 2x 1 टाइम्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2x, यानी आपका आंसर आ गया माइनस 2x² प्लस 2x, यही आप लिखेंगे। तो माइनस 2x को x से किया तो जाहिर बात है माइनस 2x² आएगा ये नीचे, और इसी माइनस 2x को माइनस 1 से किया तो अभी करके भी दिखा चुका हूँ यहाँ साइड पे, तो प्लस 2x आ जाएगा। अगेन सब्ट्रैक्शन करनी है, साइन चेंज करनी है इस न्यू वाली एक्सप्रेशन के, जो नए कलर से रेड कलर से लिखी हुई है। तो माइनस 2x² जो प्लस 2x एक्सप्रेशन लिखी हुई है, इसके टर्म्स के साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा प्लस में और ये प्लस 2x हो जाएगा माइनस में। अब आपने इन्हीं के लिहाज से इनको सॉल्व करना है, तो ये माइनस 2x² है, नीचे प्लस 2x² है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपको चीज़ें पता है, समझा चुका हूँ कि माइनस 2x² में जब आप प्लस करेंगे 2x², जब दो चीज़ें सेम हो, साइन अपोजिट हो, वो कैंसिल हो जाती हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 2x² में से 2x² माइनस करेंगे तो 0x² आ जाएगा। आगे आप देखें ऊपर लिखा हुआ है माइनस एक्स और नीचे नए साइन के मुताबिक लिखा हुआ है माइनस 2x, आपने नया वाला साइन नीचे यूज करना है, तो माइनस एक्स और नीचे है माइनस 2x। तो यहां पे आप देखें माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी प्लस कर दो,
एक्स का मतलब होता है माइनस वन एक्स, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों के मीनिंग सेम है। तो माइनस माइनस प्लस का मतलब है प्लस कर दो, तो टू में वन प्लस करें थ्री, एक्स साथ वैसे ही लिख दें, और साइन बड़ी वैल्यू का तो टू एक्स बड़ा है उसके पीछे माइनस, तो माइनस आ जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि माइनस एक्स माइनस टू एक्स कितना होता है, वो होता है माइनस थ्री एक्स। तो सब्ट्रैक्शन कंप्लीट हो गई। अगेन ऊपर से, सबसे ऊपर से जो अगली टर्म है वो नीचे उतार लेंगे, जो कि है प्लस थ्री, इसको आप नीचे उतार लेंगे। अब फिर दोबारा यही स्टेप्स दोबारा से करने, उसके लिए मैं ये वर्किंग डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से। तो अब आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब जो न्यू एक्सप्रेशन है वो है माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री, इसकी पहली टर्म है माइनस थ्री एक्स। अगेन आपने यहाँ से पहली टर्म को बाहर लिखी हुई एक्सप्रेशन की पहली टर्म से डिवाइड करना है, यानी आप इधर से माइनस थ्री एक्स लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे वहाँ पर लिखी हुई एक्सप्रेशन यानी एक्स से, इस तरीके से। और ये बड़ा सिंपल है, एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट बचेगा माइनस थ्री। तो जो आंसर बचेगा उसको इधर ऊपर लिखेंगे हमेशा की तरह माइनस थ्री। अब इस माइनस थ्री को यहाँ पर एक्सप्रेशन जो लिखी हुई है इससे मल्टीप्लाई करवा देना है, यानी माइनस थ्री को मल्टीप्लाई करवा देना है एक्स माइनस वन से। तो जब माइनस थ्री को एक्स से करेंगे तो माइनस थ्री एक्स आएगा, और माइनस थ्री को जब माइनस वन से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन, और थ्री वन टाइम्स कितना हो जाएगा थ्री। तो आंसर आ गया माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री। तो आप यहां पे लिख देते हैं, तो माइनस थ्री को पहले वाले एक्स से करेंगे तो आएगा माइनस थ्री एक्स, और माइनस थ्री को माइनस वन से करेंगे तो क्या आएगा प्लस थ्री। अगेन आपको साइन चेंज करवाने इस न्यू वाली एक्सप्रेशन के, जो ग्रीन से लिखी हुई है इसकी टर्म्स के साइन चेंज करवाने। तो माइनस थ्री एक्स कितना हो जाएगा प्लस, जो प्लस थ्री है ये कितना हो जाएगा माइनस, और आपको पता है माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि आपको यहाँ पे लिख भी सकते हैं ऊपर माइनस थ्री एक्स है, नीचे नया वाला साइन के लिहाज से प्लस थ्री एक्स है। सो प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस कर दो थ्री एक्स में से थ्री एक्स माइनस करोगे तो जीरो एक्स आ जाएगा। इधर भी देखिए ऊपर प्लस थ्री है, नीचे नए वाले साइन के लिहाज से माइनस थ्री है, सो थ्री माइनस थ्री कितना हो जाएगा जीरो, तो ये भी कैंसिल हो गया जीरो। तो जब आपके पास रिमाइंडर आ गया जीरो, जो एंड पे बचता है ये आपके पास रिमाइंडर कहलाता है, तो ये एंड पे जीरो रिमाइंडर बचा, तो जो ऊपर बचा है वही इसका आंसर है। तो ये जिसको हम कोशेंट भी बोलते हैं ये इसका आंसर आ गया। तो आपका आंसर आ गया एट एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। तो आप यहाँ पे लिख दें कि आपका इसमें आंसर आया है एट एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, यही हमने आंसर फाइंड आउट करके दिखाना था। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट भी फिनिश हुआ और इस तरह ये क्वेश्चन भी फिनिश हुआ। तो उम्मीद है आपको ये तमाम स्टेप्स समझ आएंगे, तमाम पार्ट समझ आएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के।